यूपी के बुलंदशहर में बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कोरोना से संक्रमित और क्वारंटाइन किए गए लोगों का इलाज कर रही नर्सों का राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं ने यह सम्मान विश्व नर्स डे पर किया। कार्यकर्ताओं ने यहां लोगों के इलाज में जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की सेवा में जुटी सभी नर्सों का फूल बरसाकर और उनके पैर छूकर सम्मान किया। कई कई दिनों से अपने घर ना जाकर अपने काम में जुटी नर्सों को सम्मान पाकर अच्छा लगा। नर्सों का कहना था कि यदि उनके काम को समाज सराहता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इस दौरान अलग अलग शहरों से डॉक्टर, नर्स और पुलिस पर फूल बरसाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मगर विश्व नर्स डे पर बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास से यह तस्वीरें कोरोना की लड़ाई में लगी नर्सों के लिए हौसला अफजाई साबित करती नजर आ रही है, जिससे दिन रात कोरोना से जंग लड़ रही इन नर्सों को काम करने में और मजबूती मिलेगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोगों का कर्तव्य है मरीजों की सेवा करना, पर उसका अगर आभार प्रकट किया जाता है दूसरों के द्वारा तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी उसी तरह से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे कार्य को सम्मान दे रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य ही है कि हम मरीजों की सेवा करते रहें, हम अपने कर्तव्य पर पूरे सजग हैं, लेकिन उसका अगर समाज द्वारा आभार प्रकट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोरोना काल में बहुत परेशानी आ रही है मरीजों को देखने के लिए, नई नई तरीके के लोग आरोप भी लगा रहे हैं, ऐसे में आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत आदि के आरोप लगाने के लिए कोई किसी का नहीं कह सकता किसी से कुछ। यहाँ लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है अपने विचारों के अभिव्यक्ति करने की, किंतु हमारा कार्य, हमारा पूरी तरह से कार्य है मरीजों के प्रति समर्पित रहने का। वो हम अपने कार्य कर्तव्य कर रहे हैं, उसकी आलोचना हो या आभार प्रकट किया जाए वो समाज का कार्य है, हम अपना कार्य करते रहे। विश्व नर्स दिवस के अवसर पर हमने इस जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के महासंकट काल के दौरान भी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रही हमारी वीरांगना बहनें, इनके चरणों में नतमस्तक होकर हमने नमन किया है, अभिनंदन किया, इन सबको सम्मानित किया है कि ऐसे संकट काल में जब लोग अपने आप को बचाने में ही लगे हुए हैं, ये लोग अन्य लोगों को जीवन दान देने के लिए अपने ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। इनका जो उपकार है वो हमारे समाज पर आजीवन रहेगा। हम सब अब इनके ऋणी हैं और आभार व्यक्त करने के लिए हमने अपनी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन के माध्यम से आज इन सभी का अभिवादन, अभिनंदन और सम्मान किया है।